अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी, जो हमारी आज की वीडियो है ना, इसका कोई ख़ास टॉपिक नहीं है ये, बस वैसे ही मैं ज़रा आया था यहाँ पे डेरे की तरफ, तो आपको मैं यहाँ की जो रूटीन है, जो काम शाम हो रहा है, मैं आपको वो दिखाऊँगा। तो अभी तो मैं इस वक्त ये देखें कहाँ पर हूँ नाज़रीन, इस वक्त हम आसमान की बुलंदियों पर बहुत ही ऊँचे, और ये मैं आसमान की ऊँचाइयों में बहुत ऊँचे, पूरा कोहरा ही कोहरा चारों तरफ। तो जनाब, अभी मैं आपको बताऊं कि मेरे इर्द गिर्द क्या सीन है। ये सामने जामुन के दरख्त हैं, तो आज से तकरीबन 15 या 20 दिन बाद जो है वो यहाँ से जामुन की फसल कह रहा हूँ, यहाँ से जामुन वगैरह उतारेंगे हम लोग, पके हुए जामुन इंशाल्लाह। और ये जो कमरे हैं सामने, यहाँ पे सर्दियों में रात को भैंसों को बांधते हैं, बांधते थे, अभी तो भैंसे नहीं है। और ये जंगले भी भैंसों के लिए लगाए थे जब भैंसे काफ़ी ज़्यादा थे हमारे पास। तो ये चावल की पनीरी हो गई है, ठीक है। तो इसे ना तकरीबन कुछ दिनों बाद ये जो सामने खेत है यहाँ पे उगाएंगे, ठीक है, चावल की पनीरी। और उसके बाद ये सामने गांव है हमारा सारा, ये दूर है गांव इस टाइम हमसे। और जी, अभी मैं आपको अपने छोटे भाई से मिलवाता हूँ, वो सुबह यहाँ पे आया था लकड़ियाँ वगैरह काट कर। बच्चा तो मेहनती है माशाल्लाह, ये इसने काटी है यहाँ पर सुबह से। ये भी यहाँ रुसरफ भी देखते हैं मेरे ख्याल से, वहाँ भी एक ना टैनिंग गई थी, ये भी इसने काटी है। हाँ जी चौधरी साहब, लगे हो लिया हो ना, छड़ दे पानी शानी पी फिर करने बाद चल खिंच लै, इनू खिंच ला, यो ला। हाँ चल पांदे पांदे, और जी अभी इधर इससे आगे चलते हैं, देखते हैं इधर खेतों में क्या हो रहा है। इधर भी बंदे काम कर रहे हैं, रबी हमें इनके पास चलते हैं। हाँ जी की क्या जे वो बाबा जी भी काम कर रहे हैं इतनी धूप में। और जी चप्पल हमने उतार ली है, ये चप्पलें उतारी हैं, इसको जरा मैं बाहर निकाल लो। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, मैंने कहा जरा कोल आके सलाम लाँगे, दूरों ना सलाम एडिया चंगे नहीं होंगे, अभी जरा थोड़ी कार कर देगी हजे बंद तीता की है तो। हाँ तो बन्ने नवे कर छे सारे, ये ना यहाँ पे खतरा होता है कि एक जो फसल है ना, यानी जो एक खेत है यहाँ से दूसरे खेत में पानी ना जाए, तो इसलिए ये जो बन्ने हैं ये इनको ज़रा मजबूत किया है। वो देखें सारे ये जी मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, तकरीबन ना मेरे ख्याल से 80 साल तकरीबन एज है बाबा जी की। तो आप इनका स्टेमिना चेक करें माशाल्लाह, किस तरह धूप में काम कर रहे हैं, हम लोग अभी इतना काम नहीं कर सकते। तो जी अभी हम लोग वापस जा रहे हैं डेरे पर, तो देखते हैं वो जो लकड़ा रहा था वो वही है या फिर चला गया, क्या कर रहा है अभी, उसके पास चलते हैं अभी। ये मोटर पे देखें कितना साफ शफाफ पानी आ रहा है, तो असल मिनरल वाटर तो ये है, तो पानी चेक करें बस आप, मज़ा आता है पीने का। आपने ऊंट को रक्षे में बिठाने वाली मिसाल तो सुनी होगी, लेकिन ना ये भैंस को गाड़ी में चढ़ाना उससे भी थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो ये जब किसी भैंस की खरीदो फरोख्त की जाती है, तो उसे फिर इस तरह गाड़ी में डाल के तो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। चल 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 चल
चल चल चल चल तो अभी मैं घर वापस आ चुका हूँ, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।